So hello, this video is not sponsored by Potato Aces. मैं एक्चुअली तुमको खुद इसके बारे में बताना चाहता था बिकॉज देयर प्रोडक्ट इज रियली ऑसम. मेरे पास इनका पोस्टर पर्सनली 1.5 साल से भी ज्यादा से है एंड बिलीव मी द क्वालिटी इज अमेजिंग. मेरे पास जो डीमन स्लेयर का पोस्टर है वो आज भी वैसे ही चमचमा रहा है जैसे वो पहले दिन चमचमा रहा था. कोई स्क्रैचेस नहीं, कलर्स भी एकदम इंटैक्ट है एंड शाइन भी. यू कैन सी द रिंग लाइट, विच इज सरप्राइजिंग एक्चुअली. आई एम श्योर बाकी लोगों के पास जो पोस्टर है वो भी इक्वली अच्छी कंडीशन में होगा. उन लोगों का फिर भी समझ आता है, बट मैं पर्सनली अपनी चीजों को बहुत खराब तरीके से रखता हूँ और मेरे रूम में धूल भी बहुत ज्यादा आती है. सो अगर ये मेरे कमरे में सर्वाइव कर सकता है तो it can survive any kind of hell. So I just wanted to let you guys know about this awesome brand Potato Aces, जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के पोस्टर्स बनाते हैं वो भी काफी रीजनेबल दाम में. अब ये प्राइसेस तुमको बाकी वेबसाइट्स के कंपैरिजन में थोड़े से ज्यादा लग सकते हैं, बट ऑनलाइन तुम क्वालिटी थोड़ी ना डिटरमाइन कर सकते हो. कोई पोस्टर पेपर पर भी हो सकता है, कार्डबोर्ड पर भी, बट बिलीव मी दिस थिंग इज अमेजिंग. इसकी गारंटी मैं देता हूँ. ये पॉलीकार्बोनेट का बना है एंड दिस इज द बेस्ट काइंड ऑफ पोस्टर यू कैन बाय फॉर योर रूम. इनकी वेबसाइट फिलहाल डाउन चल रही है, बट तुमको ये ऑर्डर करना है तो तुम डायरेक्टली इन सोशल मीडिया हैंडल्स पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो. और अगर तुम एनिमेटीएम का रेफरेंस दोगे तो तुमको मिलेगा फ्लैट 100 rupees ऑफ. बस बता देना कि तुम हमारे वीडियो के थ्रू आए हो. सो गो फॉर इट, इट इज अमेजिंग. एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर वीडियो. तो कुछ दिन पहले मैंने ये मूवी देखी, जोसे द टाइगर एंड द फिश. इस पर वीडियो बनाने का मेरा कोई खास प्लान था तो थोड़ा था, बट मूवी मेरा इरादा बदल भी सकती थी, राइट? मे बी मैं बस डिसअपॉइंट हो जाता और आइडिया ही ड्रॉप कर देता. बट मुझे मूवी एक्चुअली काफी ज्यादा पसंद आई. मानना पड़ेगा पिछले एक साल में मैंने जो भी एनिमे मूवीज देखी है आई हैव डन अ फेयर अमाउंट ऑफ क्रिटिसिज्म ऑन देम, लेकिन बहुत टाइम बाद मुझे किसी मूवी ने इतनी कम्प्लीटनेस की फीलिंग दी है. दिस मूवी फील्स कम्प्लीट. काफी टाइम से तुम लोग भी नोटिस कर रहे हो कि ऑल आई टॉक अबाउट इज फ्लॉज फ्लॉज एंड फ्लॉज, लेकिन इस मूवी में मुझे नहीं लगता मुझे कोई भी ऐसे मेजर फ्लॉज दिखाई दिए जिन्हें मैं पॉइंट आउट करना चाहूं. सो लेट्स कम टू द प्लॉट. सो माय एनिमे लिस्ट पर इसका सिनॉप्सिस कुछ ये कहता है, अ यूथ रोमांटिक ड्रामा विद थीम्स ऑफ ग्रोइंग अप, द स्टोरी फोकसेस ऑन कॉलेज. मेरे को ये सब समझ नहीं आता. मैं तुमको अपने तरीके से बताता हूँ व्हाट आई अंडरस्टैंड अबाउट द स्टोरी. तो ये मूवी प्राइमरीली दो लोगों के बारे में है, जोसे और सुनेओ. और इनके अलावा मेन कास्ट तीन और कैरेक्टर्स तक एक्सटेंड होती है. एक दादी जिसका कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए मरना कंपलसरी है, एक दोस्त जो इस दुनिया का सबसे बड़ा सिंप है, और एक फ्रेंड कम लवर. एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती. बस एक और देखोगे. एक और लड़की थी जिसने अपना सब कुछ हार दिया था. ओके, तो फाइनली मैं प्लॉट पर आ जाता हूँ. दिस मूवी इज अबाउट ड्रीम्स. वो कितने भी छोटे या फूलिश दिखाई दें, बट ड्रीम्स आर ड्रीम्स. टाइटल पर गौर फरमाइए. जोसे मेन कैरेक्टर का नाम, यू कैन इग्नोर इट, द टाइगर एंड द फिश. ये है हमारे दोनों मेन कैरेक्टर्स के ड्रीम्स. सुनेओ एक पर्टिकुलर फिश के साथ तैरना चाहता है. सो व्हाटएवर ही डज इज फॉर दैट ड्रीम. और जोसे को सारी दुनिया से निरंतर इतनी सुरक्षा देकर रेज किया गया है कि उसके लिए बाहर की पूरी दुनिया एक थ्रेट की तरह है. उसको बताया गया है कि ये दुनिया इविल है, इसमें जीना मुश्किल है, एंड इट इज फिल्ड विद बीस्ट डेविल्स एंड टाइगर्स. तो इस टाइगर नाम के थ्रेट को फेस करके अपने क्लोज्ड सर्कल से बाहर निकलना ही मुझे लगता है जोसे की अल्टीमेट डेस्टिनेशन है. ये दोनों कैरेक्टर्स काफी अलग हैं. जोसे को प्रोटेक्शन देने के लिए उस पर इतनी रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं दैट हर वर्ल्ड सीम्स सो स्मॉल एंड शी फील्स ट्रैप्ड. और सुनेओ, उसके पास काफी आजादी है. फॉर स्टार्टर्स वो व्हीलचेयर पर नहीं है, फिजिकल इंडिपेंडेंस. और दूसरा, वो स्टडीज के लिए फॉरेन जा सकता है, मछलियों के साथ तैर सकता है. ही इज ऑन हिज ओन. वो अपने पेरेंट्स पर भी डिपेंडेंट नहीं है इवन फॉर स्टडीज. वो जो चाहे कर सकता है, लिटरल इंडिपेंडेंस. और जैसा कि किसी महापुरुष ने कहा ही है, ग्रेट स्टोरी स्टार्ट वेयर टू डिफरेंट वर्ल्ड्स कोलाइड. वो लड़ नहीं रहे हैं, बट दे आर इंटरेक्टिंग, शेयरिंग एंड एक्सचेंजिंग देयर बिट्स, जो कि एक ज्यादा रियल लाइफ लाइक अप्रोच है और काफी लोग इससे रिलेट भी कर सकते हैं. सुनेओ अनजाने में ही सही अपनी इंडिपेंडेंस जोसे के साथ शेयर करता है, उसको अपने शेल से बाहर आने में मदद करता है और उसकी छोटी छोटी ख्वाहिशों को पूरा करता है. सुनेओ इज फुल ऑफ पॉसिबिलिटीज. वो अपने सपनों को पूरा कर सकता है, दूर तक देख सकता है. एंड जोसे, विद हर डिसेबिलिटी, उसके लिए छोटे छोटे टास्क भी बड़ी हर्डल्स की तरह है. वो अपने शेल से भले ही बाहर आ गई हो, लेकिन उसके लिए अभी भी कंटिन्यू कर पाना बहुत मुश्किल है. शी फाइंड्स इट easier to just give up.
कई बार जो तुमको लगता है बहुत आसान है वो किसी के लिए बहुत मुश्किल भी हो सकता है। जिन चीजों के लिए सुनेओ को सोचना भी नहीं पड़ता है उनके लिए हो सकता है जोसे को बहुत ज्यादा एफर्ट्स डालने पड़ते हों। और सुनेओ इस चीज को समझ नहीं पाता क्योंकि वो जोसे के नजरिए से देख ही नहीं सकता है। कई बार तुमको बस नहीं समझ आता, चाहे तुम कितनी भी कोशिश करो, कितना भी समझना चाहो। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो तुमको तब तक समझ नहीं आएंगी जब तक तुम उस स्पॉट में खुद ना पहुंच जाओ। और ऐसा होता भी है, और ये मेरे लिए काफी रिलेटेबल था। हेडेक्स, डिप्रेशन, मूड स्विंग्स मेरे को समझ नहीं आते थे। क्या होता है, क्यों होता है लोगों को? एंड नाउ, वेल नाउ आई नो देम रियली वेल। गुड थिंग वी हैव रियली नाइस सर्कुलेशन टू क्योर डिप्रेशन। खैर, सुनेओ उस स्पॉट में पहुंचता है जहां जोसे थी, एंड नाउ एवरीथिंग सीम्स आउट ऑफ हिज रीच। उसकी होप्स टूट जाती हैं और उसके सपने उसकी पहुंच से बहुत दूर दिखाई देते हैं। जिस सिंपल सी चीज को वो पहले समझ नहीं सकता था अब उसे बहुत अच्छे से समझ आ जाती है। उसके पंख कट चुके हैं और वो खुद उड़ना भूल जाता है। इन द प्रोसेस ऑफ ट्राइंग टू सेव समवन ही लूजेस हिमसेल्फ। और ऐसे समय में तुमको किसी ऐसे की जरूरत है। सुनेओ-san, तू गा को अकिरामे था करा। दाकरा वतासी गा मोराउ कोतो नी शिता। वतासी नी मुचू नी सासेते उमी तोका युमे तोका ज़ेनबु वासुरे सासेरु करा। ओके, यू कैन नॉट प्रैक्टिकली डू दैट। और यहां मैं इसको क्रिटिसाइज करता, बट टर्न्स आउट शी वाज जस्ट ट्राइंग टू हेल्प। वतासी ई ओन्ना नानो। यस यू आर। ये एक ऐसा ट्रॉमा है जिससे निकलने में बहुत टाइम लग सकता है, एटलीस्ट फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव। बट ये मूवी इसको एक शॉर्ट एंड पावरफुल मोनोलॉग के थ्रू अचीव कर लेती है। और अगर मुझे थोड़ी बहुत कुछ कमी लगी भी तो वो सिर्फ यही है कि सब कुछ काफी जल्दी रिजॉल्व हो गया। अदरवाइज दिस मूवी अचीव्स एवरीथिंग दैट इट सेट्स आउट टू डू। सभी कैरेक्टर्स काफी लाइकेबल हैं और जो पीछे है भी वो यू कैन अंडरस्टैंड, राइट? एनिमेशन भाई साहब, ब्रेथ टेकिंग। एक सीन अति सुंदर। और हो भी क्यों ना, बोन स्टूडियो कोई छोटा मोटा स्टूडियो तो है नहीं। इट हैज प्रोड्यूस्ड सम ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एनिमे ऑफ रीसेंट टाइम्स। और इसको वैसे नोरागामी के डायरेक्टर ने बनाया है। एक्सप्लेन्स व्हाई सुनेओ लुक्स लाइक यातो, वेल यू कैन हैव फेथ इन डायरेक्शन एंड एनिमेशन। और इसका म्यूजिक दिया है वायलेट एवरगार्डन वाले बंदे ने, विद टू इंसर्ट सॉन्ग्स फ्रॉम ईव। इन तीन सॉन्ग्स को सुन लेना, जिंदगी भर मेरे शुक्रगुजार रहोगे। टेक मी फार अवे इज माय पर्सनल फेवरेट। सो यह एनिमेशन, म्यूजिक, स्टोरी, सारे चेक बॉक्सेस एकदम बढ़िया से टिक्ड हैं। तो सोच के रहे हो, गो एंड वॉच इट, इट इज रियली अ वेरी गुड मूवी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लीव अ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।